सा पता चले। देखिए आज की जो घटना हुई है, हम लोग को पहले से ही विश्वास था हम लोगों को कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग जोर जबरदस्ती कर करके तानाशाह तरीके से वोट लेने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 दिन का जो मोहलत था उसको बंद करा ना अगले आज के एक दिन के अंदर ही बोला गया कि बहुमत सिद्ध करने का। और हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो समर्थन जो है, जो विधायकों का जो बहुमत है, जो मैजिक फिगर्स जो है, वो कांग्रेस और जेडीएस के साथ है। सबसे पहले आज का जो रिजल्ट जो सामने आया है, जिसमें कि बीजेपी को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा, और भागने के बाद ही आपका राष्ट्रगान था जिसमें राष्ट्रगान में वो लोग शामिल नहीं हुए, तो ये दिखाता है कि उनका राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम कितना ज़्यादा है। और जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग जिस प्रकार से राष्ट्रगान को छोड़ करके भागने का काम किया और चोर दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया, उसी हिसाब से चोर दरवाजे से वो लोग निकल करके चले। और ये साबित होता है कि सत्य की जीत हुई है और झूठ बोलने वाले और भ्रम फैलाने वालों की हार हुई है, और लोकतंत्र में झूठ बोलने वालों की कोई जगह नहीं है, आज ये साबित हो चुका है। हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, हम बधाई देते हैं कुमार स्वामी जी को, देव बोरा जी को, जेडीएस के सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार से विपक्ष एकजुट होकर के सामने आया है और बीजेपी को परास्त कराने का काम किया, भगाने का काम किया है, आज से बीजेपी का हारना तय हो चुका है, हार की शुरुआत तय हो चुकी है। और 2019 में, अभी तो शुरुआत है, 2019 में जो इन्होंने सरकार बनाई हुई है एनडीए की, वो भी गिरने जा रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि 2019 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं, बल्कि बीजेपी उसमें हारने जा रही है। और विपक्षी गोलबंद जिस प्रकार से हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाला जो चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ भी बीजेपी की बुरी स्थिति होने जा रही है। और हम अपने चाचा नीतीश जी से बार बार कहते रहेंगे कि अपनी चुप्पी तोड़िए, और जितनी गतिविधि हुई है, राजनीतिक फेरबदल हुए हैं कर्नाटका चुनाव के बाद, उस पर अपनी चुप्पी आज तक उन्होंने नहीं तोड़ी। चुप्पी नहीं तोड़ने का मतलब है कि उनका समर्थन था नहीं। और हम तो चाहते हैं अभी भी अंतरात्मा जगह